दोस्तों, आर्थिक और सैन्य स्तर पर भारत अब एक काफी ताकतवर देश के तौर पर सामने आ चुका है, जिसकी तरफ कई विकासशील देश एक ग्लोबल पावर की नजरों से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर कल को उन पर कोई बड़ी परेशानी आएगी तो भारत दुनिया के कुछ पहले ऐसे देशों में से एक होगा जो उनकी मदद के लिए आगे आएगा। और भारत ने समय समय पर ये बात साबित भी की है, जिसके तहत भारत पर भरोसा दिखाते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब भारत से एक काफी बड़ी मदद मांग ली है, जिसके बारे में जानकारी खुद यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को दी है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर 4 दिनों के भारत दौरे पर आई थी ताकि यूक्रेन और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों के बीच आ रहे मतभेदों को खत्म कर सके, जिसके दौरान उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा लिखा गया एक पत्र भारत को सौंपा, जिसमें खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत से ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल सहायता की मदद मांगी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन जिस स्थिति में पहुंच चुका है, ऐसे में भारत की तरफ से दी जाने वाली कोई भी मदद यूक्रेन की आम जनता के लिए लाइफ सेवर साबित हो सकती है, जिसकी वजह से अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पर आज इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि लगातार चल रहे युद्ध और रूसी मिसाइलों के हमले से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जो कभी विश्व के कुछ सबसे विकसित और अच्छे शहरों में शामिल थे। आज उन शहरों में बिल्डिंग का मलबा और राख का ढेर के अलावा और कुछ नहीं बचा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन शहरों में बसने वाले लाखों लोगों को या तो अपनी जान गंवानी पड़ी या फिर अपना घर और परिवार छोड़कर अपने ही देश के दूसरे शहरों में जाना पड़ा। यहाँ तक कि कई लोग तो यूक्रेन छोड़कर आसपास के दूसरे शहरों में भी शरण ले रहे हैं। ऊपर से लगातार चल रहे युद्ध की वजह से मेडिकल और फूड सप्लाई को लगातार जारी रखने में भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन चाहता है कि दुनिया के हर देश की तरफ से उन्हें जो भी मदद मिल सकती है वह उसे स्वीकार करे। और इसी वजह से अब यूक्रेन ने अपनी अकड़ को छोड़ते हुए खुद भारत से मदद की गुहार लगाई है, ताकि भारत जैसा शक्तिशाली देश आर्थिक और मेडिकल सहायता देकर यूक्रेन के लोगों को थोड़ा आराम पहुंचा सके, जो कि स्थिति में काफी हद तक सुधार लाने की क्षमता रखता है। इसी वजह से भारत भी यूक्रेन के इस रिक्वेस्ट पर तेजी से काम कर रहा है, ताकि हम यूक्रेनियन लोगों की मदद कर सके। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब मुश्किल में फंसे किसी देश ने मदद के लिए भारत की तरफ देखा है। आपको याद होगा कि पेंडेमिक के समय भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन सप्लाई करके एक मिसाल कायम की थी। साथ ही तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के समय भी भारतीय वायुसेना ने कई टन मेडिकल इक्विपमेंट अपने सबसे शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए सप्लाई किए थे, ताकि तुर्की और सीरिया की मदद की जा सके। इतना ही नहीं बल्कि श्रीलंका और अफगानिस्तान भी इस बात के जीते जागते उदाहरण है कि भारत अस्थिरता से जूझ रहे हर देश की मदद के लिए सबसे पहले सामने आता है, जिसकी वजह से भारत की इस पॉलिसी का सराहना पूरी दुनिया करती है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपने आसपास या दुनिया में किसी भी देश की मदद के लिए इतनी जल्दी सामने आता हो। जिसने ये बात साबित की है कि जब भारत वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है ऐसी बातें करता है, तब हम सिर्फ बातें ही नहीं करते बल्कि इस विचारधारा पर काम भी करते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस रिक्वेस्ट पर काम करते हुए भारत कितनी जल्दी यूक्रेन को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत की एक प्राइवेट कंपनी जैक्सन ग्रीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत नोएडा में स्थित इस कंपनी ने मिडिल ईस्ट अफ्रीका और भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसके तहत इस कंपनी ने ये बात खुलकर कही है कि जैक्सन ग्रीन को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के तौर पर मिडिल ईस्ट इंडिया और अफ्रीका में 1 गीगावाट के ऑर्डर मिल चुके हैं। यानी ये कंपनी 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में सक्षम प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है, जो काफी बड़ी बात है। आपको ये बात जानकर काफी अच्छा लगेगा कि जैक्सन ग्रीन ने राजस्थान सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करते हुए राजस्थान में 22,400 करोड़ रुपए की कीमत पर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट को डेवलप करने का फैसला किया है, जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की ओवरऑल कैपेसिटी को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। साथ ही इस कंपनी को अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह की सफलता मिल रही है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले 20 से 30 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी हर देश के टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का एक काफी बड़ा प्रतिशत होगा। ऐसे में इस क्षेत्र में जिस तरह से भारत और हमारी प्राइवेट कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही है, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नया सुपर पावर बन सकता है, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।